हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पाइल्स मसे बवासीर ये जो बीमारी है, यदि ये बीमारी कुछ अंश से ज़्यादा यानी इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो काफ़ी सारे लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि ऑपरेशन की ज़रूरत है तो बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट में। DGL सर्जरी है, लिगाशो सर्जरी है, लेज़र ऑपरेशन है, स्टेपलर बंदूक गन सर्जरी है जिसे हम MIPH भी कहते हैं। तो आज हम हमारे इस वीडियो में MIPH यानी स्टेपलर बंदूक गन सर्जरी, जी हाँ दोस्तों, ये जो बंदूक गन सर्जरी से कैसे ये पाइल्स का ऑपरेशन की जाती है और ये ऑपरेशन के क्या फायदे रहते हैं, क्या नुकसान रहते हैं, किसे ये ऑपरेशन करना चाहिए, इसके बारे में यूजफुल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यदि आपको पाइल्स बवासीर मसे की तकलीफ है और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए डाइट के बारे में या फिर अलग अलग ऑप्शन के बारे में, तो हमारी वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, इसे क्लिक कीजिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1992-1993 के दौरान डॉक्टर एंटोनियो लोंगो करके एक सर्जन है, उन्होंने ये टेक्निक डिवाइस की थी जिसको बोलते हैं स्टेपलर गन सर्जरी। ये स्टेपलर गन सर्जरी का एक्चुअल नेम है PPH यानी प्रोसीजर फॉर प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड्स। तो इसमें जो एक गन आती है, एक गन से हम एक पाइल्स बवासीर का ऑपरेशन करते हैं। ये सिंगल वन टाइम डिस्पोजेबल गन है यानी इसे यूज करने के बाद इसे हम रीयूज नहीं कर सकते। तो एक गन से क्या होता है, हम बवासीर के ऊपर से अंदर मसे को अंदर फिट कर देते हैं, अंदर पल्स स्ट्रिंग सूचर लेके, और ये गन को धीरे धीरे इधर से बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद ये मसे इसमें फिट हो जाता है, जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, जो ब्लू कलर का जो मेरा ग्लोव है वो समझिए आप मसे। और फिर इसको हैंडल को, सेफ्टी हैंडल को बंद करने के बाद इसे हम इसे फायर करते हैं। फायर करने से क्या होता है, ये जो मसे है ये कप में फिट हो जाता है। फिट होने से इसमें कट भी जाते हैं और ये पिंस जो छोटी छोटी दो लेयर में पिंस आती है, ये पिंस से अंदर का जो ब्लड सप्लाई है मसे का, बवासीर का यानी पाइल्स का, हिमरॉइड्स का, इसे रोक देता है। ये छोटे छोटे पिंस तकरीबन 32 रहते हैं आमतौर पे जो हम स्टेपलर कंपनीज यूज करते हैं उसमें। तो ये छोटे छोटे टाइटेनियम पिंस रहते हैं जिससे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये पिंस के द्वारा ये मसे की जो साइज है वो छोटी हो जाती है और श्रिंक होने लगती है। तो इस तरीके से एक काम करता है। अभी इसका मेन फायदा ये है कि ये जो है ये गुदेदार के जगह पे अंदर से यानी मसे पाइल्स बवासीर के ऊपर से इसका ब्लड सप्लाई रोकता है। तो जिसके कारण होता क्या है, ब्लड सप्लाई तो रुक जाता है जिसके कारण ये थोड़े से संकोचने लगते हैं और श्रिंक होने लगते हैं आगे के कुछ हफ्तों में, और इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी लिफ्ट हो जाती है, जो नीचे उतर रहे थे पाइल्स वो वापस अपने पोजीशन पे चले जाते हैं और पाइल्स का एक गट्ठा डोनट के शेप में, रिंग शेप में बाहर भी आ जाता है। तो स्टेपलर सर्जरी का मेन फायदा है कि इसमें दर्द काफी कम रहता है, डिस्चार्ज जल्दी पेशेंट को मिल जाता है, और ऑपरेशन के बाद चलना फिरना घूमना जल्दी चालू हो जाता है। बहुत बार पेशेंट को हम उसी दिन, जी हाँ उसी दिन पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं या फिर 24 आवर्स के बाद जनरली डिस्चार्ज कर देते हैं। तो मेन इसका जो फायदा है, लेस पेन या मिनिमल पेन, जीरो पेन तो मैं नहीं कहना चाहूंगा कि एक भी सर्जरी ऐसी नहीं है जिसमें ऑपरेशन का जीरो पेन हो, लेकिन पेन की तीव्रता काफी कम रहती है स्टेपलर गन सर्जरी में। तो ये इसका मेन फायदा है। लेजर सर्जरी और स्टेपलर गन सर्जरी में मेन फायदा यह रहता है कि इसमें दर्द कम है, लेकिन स्टेपलर सर्जरी की खास बात यह है कि इसमें रिकरेंस रेट लेजर सर्जरी से थोड़ी सी कम रहती है। तो ये जो सर्जरी है खास करके ग्रेड 3 पाइल्स या फिर पाइल्स जो सर्कमफ्रेंशियल रहते हैं या फिर ग्रेड 3 हेमरॉइड्स विद म्यूकोजल प्रोलैप्स, इसके लिए काफी अच्छी टेक्निक या अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यदि आपके मन में ऐसा है कि आपको पेन कम चाहिए तो ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। डिसएडवांटेज इसका यह है कि किसी किसी को ये जो पिंस रहते उससे थोड़ा सा चचराहट रह सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को हो सकता है। एनल कैनल स्टीनोसिस, यदि ये सर्जरी बराबर से नहीं की गई या फिर इसको ज्यादा सूचर में, हमने पल्स स्ट्रिंग सूचर में ले लिया मसल्स को, तो फिर कुछ लोगों को मलद्वार का रास्ता थोड़ा सा टाइट भी हो सकता है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस सर्जन के पास कराते हैं तो ये चांसेस काफी कम हो सकते हैं। अगर किसी को एनल सेक्स की आदत है तो फिर ये पिंस भी आपको तकलीफ दे सकती है। यदि किसी का ऑलरेडी एरिया बहुत ही टाइट है, एनल कैनल स्टीनोसिस है ऑलरेडी, तो फिर ये सर्जरी आपको शायद ज्यादा काम नहीं दे सकती है। इन्फेक्शन में भी ये सर्जरी ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो ग्रेड 3 हेमरॉइड्स या फिर ग्रेड 3 हेमरॉइड्स विद म्यूकोसल प्रोलैप्स, ये सबसे बेस्ट पेशेंट्स रहते हैं जिसको ये सर्जरी फायदा दे सकती है। ऑपरेशन करने के बाद ब्लीडिंग के चांसेस 1-2% रह सकते हैं। ऑपरेशन के बाद रिकरेंस रेट 8-10%
कुछ कुछ स्टडीज में देखा गया है। तो ओवरऑल काफी सेफ सर्जरी है, यदि एक्सपीरियंस सर्जन जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसके पास आप कराते हो तो ये सर्जरी काफी अच्छी है। लेकिन मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को ये एडवाइस देता हूँ कि आपके सर्जन को चूज करने दीजिए कौन सी टाइप की सर्जरी अच्छी रहेगी, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस और उसके जो फाइंडिंग्स है आपको चेक करने के बाद, उस हिसाब से आपको कौन सा सर्जरी अच्छा रहेगा और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, पेन कम करने की एक्सपेक्टेशंस है या फिर आपको रिकरेंस रिस्क कम चाहिए, वो आपके मन में आपकी मेन एक्सपेक्टेशन है, उस हिसाब से कौन सा बेस्ट ऑप्शन सही रहेगा, उसमें आपको जरूर आपका सर्जन आपको मदद करेगा। आई होप कि यह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको स्टेपलर सर्जरी रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, हमारी टीम कोशिश करेगी आपको सही जवाब देने के लिए। धन्यवाद।